में भी है। इसमें जानवर एनिमल्स की तरह और प्लांट्स की तरह दोनों खूबियाँ मौजूद हैं, यानी तैयार भी लेते हैं एनिमल्स की तरह और प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि कलर सब्सटेंस होता है, लाइट अपनी तरफ खींचता है, उसकी मदद से अपने खुराक बनाते हैं। और फिर इसके इधर जो क्लासिफिकेशन है, यूग्लिना, स्पायरोजेरा, वॉलवॉक्स, जस्ट आपको एग्जांपल्स दिए हैं और ठीक है, और ज़्यादा आपकी लेवल के मुताबिक और एक्सप्लेन नहीं करवाया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास किंगडम फंजाई, तो फंजाई कैन बी, ये भी बड़ा सिंपल है, ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। फिलामेंट्स, फिलामेंटस मतलब ये आप देख सकते हैं, इसको फिलामेंट हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो यूग्लिना, ये तो उसका एग्जांपल है, लेकिन ये जो फाइबर फाइबर टाइप है, इस तरह से होता है फिलामेंट, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके ऊपर। सो फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये एनिमल की तरह नहीं हुआ, ठीक है, बट दे हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है तो प्लांट की तरह है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। एंड डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस, जो शेडी प्लेसेस होते हैं यानी दीवारों के नीचे और जो जगह पे मॉइस्ट होती है, नमी होती है, वहाँ पर मौजूद होता है, और ये फूड हासिल करता है डेड चीज़ों से। तो डेड चीज़ें क्या होती है, मैंने बताया था कि जो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं और मतलब एक जगह पे पड़े रहते हैं तो उस पर फंगस अटैक करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हार्मफुल है, डेंजरस है, लफ्ज़ हमने पढ़ा था, बिकॉज इट काज डिजीज एंड लिविंग थिंग्स, ठीक है। और फंजाई क्या है, इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से आपको बताए हैं, किंगडम फंजाई इंक्लूड्स ईस्ट है, मशरूम्स है, राइजोपस है और पफ बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके मशरूम्स वगैरह ये आप देख चुके होंगे, जो शेडी जगह होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। आप मुझे बताएं जो इसमें एडिबल है कि नहीं, कुछ इसमें ये मशरूम्स जो है इसमें एडिबल है, हम खाते हैं, आप मुझे आंसर देंगे कि इसमें कौन सी टाइप है कि नहीं खाने वाली और ना खाने वाली, इसमें कोई टाइप है भी या नहीं। सो आज के लिए ये दो काफ़ी है, ठीक है। आप ज़रा एक्सरसाइज की तरफ आएँ, एक्सरसाइज की तरफ। मैंने आपको फ़र्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये बताया है कि आप अपने अल्फाज में लिखें, ठीक है। तो अपने अल्फाज में आप पेज नंबर ये निकालें, इसका आंसर हम यूँ लिखेंगे के इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू